दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे हम मौजूद हैं इस वक्त। शाम का टाइम हो रहा है, हमने जाना है अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आई हूँ यहाँ पे हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी की दरगाह पे, तो मैं यहाँ पे आपको विज़िट करवाऊँगी। और जी शाम का टाइम हो रहा है और हम यहाँ पे आए थे। काफ़ी अरसे बाद यहाँ आना हुआ, बचपन में पहले आया करते थे यहाँ पे। लाइक पहले जो है सीवीओ पे प्रॉपर पिकनिक मनाने लोग आते थे, तो अब तो ये है कि कम हो गया है ये सिलसिला हमारी साइड से। तो पहले हम लोग आते थे पूरी सुजुकी भर के और ना प्रॉपर पिकनिक का मूड बना के कि जी पहले जो है बड़े यहाँ पे दरगाह पे हाज़िरी देते थे, जाते थे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से सी व्यू जाते थे और सी व्यू के बाद क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क जाते थे। मगर आज हमने सिर्फ यहीं आना था, तो हम यहाँ दरगाह पे आए हैं और हमने यहाँ पर थोड़ी सी न्याज भी दी है और हम यहाँ पे दुआ मांगी है। कहते हैं जिनके यहाँ पे जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, तो जो है दुआ जो है इनके वसीले से मांगते हैं, डायरेक्टली हम इनसे नहीं मांगते। तो इनसे जो भी इनका वसीला दे के दुआ मांगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होती है। बात सारी होती है जी तवक्कल पे। आप लोगों का यकीन होना चाहिए, अगर तो आप लोगों का यकीन है तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी दुआ कबूल होगी। कराची में काफ़ी मज़ार हैं, उनमें से ये एक बहुत बड़ा मज़ार है जो माना जाता है। सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ है, आलिम हैं, अल्लाह के महबूब बहुत ज़्यादा हमारे औलिया किराम हैं। और जी सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ है, ख़ानदान अहले बैत के चश्मे चिराग हैं ये। तो सबके अपने अपने ईमान की बात है, तो इस्लाम में तो ज़ोर ज़बरदस्ती किसी पे भी नहीं है, क्योंकि हमारी हिदायत के लिए कुरान पाक उतरा है, हदीस हैं, सब कुछ है। तो उसमें हमें बताया गया है क्या है, किस तरह हमें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। सबका अपना फ़र्क़ा है। तो मैं चाहती हूँ जो लोग मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स आप लोग ना करें। सबका अपना अपना ईमान है, कुछ लोग नहीं जाते मज़ारों पर, लेकिन मेरी आप लोगों से यह है कि बिल्कुल भी नेगेटिव कमेंट्स से अवॉइड करिएगा। पहले जब हम यहाँ आते थे इस मज़ार पे, तो याद हो आप लोगों को क्या पहले काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ होती थी यहाँ पे और रेड कारपेट बिछा हुआ होता था, काफ़ी बहुत सारी सीढ़ियाँ होती थी। लेकिन अब जो है थोड़ा रास्ता उन्होंने जो है थोड़ा थोड़ा करके ना स्टेप बढ़ाए हुए हैं, मतलब बिल्कुल सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो थोड़ा चलो फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ आती हैं, फिर थोड़ा आगे चलो फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ आती हैं, इस तरह इन लोगों ने बनाया हुआ है। अब इसको माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो गई है ये जगह। तो जब अंदर जाना था तो यहाँ पे हमने चप्पलें वगैरह अपनी रखवा दी थी। उसके बाद हम यहाँ से मज़ार तक जो है बिना चप्पल के अंदर गए थे, क्योंकि अलाउ नहीं थी, ज़ाहिर है पाक जगह है। तो फिर हम अंदर गए। ये भी अभी इसके बाद भी एक और स्टेप है, ये थोड़ा थोड़ा हम ऊपर आ चुके हैं। अब जाएंगे तो आगे और सीढ़ियाँ हैं। तो रश काफ़ी था शायद, एक तो संडे का दिन था और ऊपर से रश में बहुत इतना ज़्यादा था, क्योंकि अभी जो है ज़िलहज के महीने में 20, 21 और 22 को इनका उर्स होता है, तो इस वजह से भी हो सकता है रश ज़्यादा हो। संडे की वजह से भी रश ज़्यादा था। तो आजकल जो है मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, इस वजह से मैं व्लॉग बहुत कम बना रही हूँ। संडे का दिन ही होता है कि मैं चली जाती हूँ कहीं। इस व्लॉग के जो हैं 2 पार्ट हैं, क्योंकि हम जो है दरगाह के बाद पार्क गए थे क्लिफ्टन पार्क। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अलग अलग वीडियोस बना दूं, ताकि जो है दोनों जगह की है अलग अलग से वीडियो बन जाए। तो पहले तो ये हो गई है यहाँ दरगाह की वीडियो। अब हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे न्याज होती है, जहाँ दुआ मांगी जाती है। एज़ यूजुअल हमें रात हो गई थी, क्योंकि हम कराची वाले हैं, लेट उठ कर जाने वाले हैं। तो जी यहाँ ये है वो मेन जगह जहाँ पे दुआ मांगी जाती है और नियाज़ें दी जाती हैं, चादर चढ़ाई जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरे बदले की नियाज़ दे दें। मैंने उन्हें दे दी थे जो भी नियाज़ की चीज़ें थी, क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी थे, तो उम्र जो बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाता है क्राउड से। तो वो परेशान होने लग गया था, तो इसलिए मैं ना यहाँ बैठ गई थोड़ी सी देर। यहाँ पे बैठ के हमने दुआएं मांगी और जो है बहुत सारी दुआएं मांगी। ये मिन्हा माशाल्लाह से, मिन्हा ने मुझे थोड़ा सा भी तंग नहीं किया, इतना माशाल्लाह से अच्छा मूड था ना इसका उस दिन। ये है यहाँ पे लिखा हुआ है हज़रत क़िबला सैयद शहीद अब्दुल्ला शाह गाज़ी, आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा की है और ये वो जगह है जहाँ मन्नत उठाई जाती है। और ये सिलसिला नसब है, ये आप लोग देख सकते हैं, इधर इन्होंने लिख के लगाया हुआ है विलादत और शहादत। यहाँ पे हम बैठ गए थे, बहुत अच्छी हवा भी आ रही थी। 8 नंबर दे दो। फिर हम वहाँ पे से बैठ के नीचे आ गए, हमने अपनी जो है चप्पलें वगैरह ली और हम ये जा रहे थे झूलों की तरफ। तो उसका मैं ब्लॉग अलग से बनाऊंगी, आप लोगों ने ज़रूर देखना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। और थैंक यू सो मच, 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे, तो उसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत प्यारी शॉप्स होती हैं, ये यहाँ पे जो है मतलब इस तरह की जो मज़ारों पे ज़्यादातर मिलती हैं। मैंने मिन्हा के लिए वाले ब्रेसलेट लिए हैं, ये मिन्हा के हाथों में बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये हम आए थे जी मज़ार पे, जो आपको हमने विज़िट करवाया है पूरा मज़ार। तो अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा झूलों की तरफ चले जाए, क्योंकि बच्चे हमारे साथ आए हुए और अगर हम उनको झूलों पे नहीं लेके गए तो जी हो जाएगा पंगा। तो जी लाइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब है यहाँ, तो चलते हैं जी पार्क की तरफ।